नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अभिजीत शर्मा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान में। मित्रों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 23 सितंबर 2020 को होने वाले राहु देव के राशि परिवर्तन का कर्क लग्न व कर्क राशि वाले जातकों पर क्या रहेगा प्रभाव। मित्रों, यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो फलादेश मैं आपके सामने आज प्रस्तुत करने जा रहा हूं, ये लग्न के ऊपर आधारित होगा। अगर आपके पास आपकी कुंडली बनी हुई है और आपको पता है कि आपकी कर्क लग्न की कुंडली है, अर्थात लग्न में ही चार नंबर लिखा हुआ है, तो इसे अपनी लग्न कुंडली से ही चेक कीजिएगा। साथ ही कर्क राशि के वह व्यक्ति जिनके पास अपनी कुंडली नहीं है, उनको अपना डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, वो इसे राशि से भी चेक कर सकते हैं। मित्रों, वर्तमान समय के अंदर जो राहु देव है वो आपके द्वादश भाव में बने हुए हैं। ऐसे में आपने देखा होगा पिछले तकरीबन 16-17 महीनों से आपको आय से ज्यादा खर्चे देखने को मिले होंगे। स्वयं के परिवार या स्वयं से संबंधित हॉस्पिटलाइज खर्चे भी कई लोगों को अवश्य देखने को मिले होंगे। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित यदि आप कोई भी प्रकार का भौतिक सुख प्राप्त करने का प्रयास कर रहे होंगे, उसमें बहुत से लोगों को असफलता हाथ लगी होगी। माता का स्वास्थ्य खराब या माता से संबंधों में भी आपको कहीं ना कहीं कटुता अवश्य देखने को मिली होगी। जो लोग जॉब कर रहे थे उनको जॉब में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, साथ ही रोग, ऋण, रिपु, इससे संबंधित भी आपको परेशानियां अवश्य देखने को मिली। इसी के साथ में मानसिक तनाव और डिप्रेशन, टेंशन जैसी स्थितियां भी आपने पिछले समय में देखी है। किंतु मित्रों, अब आ गया है वो समय जब राहु देव जो पिछले 16-17 महीने से आपको कर रहे थे परेशान, अब वही राहु देव आपके लिए बड़ी सौगात लेकर आ रहे हैं। जी हां, 23 सितंबर 2020 को राहु देव आपके द्वादश भाव को छोड़कर एकादश भाव पर आ रहे हैं, जो कि उनकी मित्र राशि है। और कर्क लग्न की कुंडली में शुक्र देव सम ग्रह माने जाते हैं और सम ग्रह की राशि के अंदर राहु देव प्रवेश कर रहे हैं। ये एक तरीके से पूर्ण रूप से संकेत दे रहा है कि अब आपकी मनोकामनाएं अवश्य होने जा रही है पूर्ण। कोई भी विशेष मनोकामना जो पिछले काफी समय से नहीं पूर्ण हो पा रही थी, वो अब आपकी पूर्ण अवश्य होगी। आय के अंदर आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, आय के नए स्रोत भी आपके सामने प्रकट अवश्य होंगे। स्वास्थ्य संबंधित छोटी मोटी समस्या आपको देखने को मिल सकती है, किंतु यदि बड़े भाई बहनों से संबंधों में किसी प्रकार की मधुरता में कमी देखने को मिल रही थी, तो उससे मिलने जा रही है आपको निजात। यहां से मित्रों पराक्रम भाव पर दृष्टि देंगे। पिछले समय में, वर्तमान समय में जितने भी आप मेहनत कर रहे हैं और पिछले समय में आपको मेहनत के रिजल्ट नहीं देखने को मिले, अब आप देखेंगे जितनी भी आप मेहनत कर रहे हैं उसके अनुसार आपको श्रेष्ठ परिणाम देखने को अवश्य मिलेंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं है। छोटी मोटी व्यापारिक यात्रा यदि आप करते हैं, उसमें भी आपको श्रेष्ठ परिणाम देखने को मिलेंगे। छोटे भाई बहनों से संबंधों में भी आपको देखने को मिलेगी मधुरता। यदि छोटे भाई बहन किसी भी प्रकार की कोई स्टडी कर रहे हैं, कोई अन्यत्र प्रकार की जॉब फाइंड कर रहे हैं, आपका भाग्य उनके साथ भी काम करता हुआ अवश्य दिखाई देगा। यहां से सप्तम दृष्टि दे रहे हैं पंचम भाव पर। ये एक तरीके से पूर्ण रूप से संकेत दे रहा है विद्यार्थियों के लिए ये समय बड़ा ही अच्छा रहेगा। जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको अच्छे लाभ देखने को अवश्य मिलेंगे। सडन ऑफ बेनिफिट्स आपको अवश्य देखने को मिलेंगे, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है, क्योंकि राहु देव सडन ऑफ बेनिफिट्स के कारक भी हैं। व्यक्ति को सडन ऑफ बेनिफिट्स देकर जमीन से आसमान तक ले जाते हैं और आसमान से सडन ऑफ लॉसेस देकर आसमान से जमीन पर ले आते हैं। यहां से पंचम दृष्टि अपनी उच्च राशि में बैठकर सप्तम पंचम भाव पर दे रहे हैं। सडन ऑफ बेनिफिट्स आपको अवश्य देखने को मिल सकते हैं। कोई जुआ, सट्टा, लॉटरी, इस प्रकार से किसी भी प्रकार का कोई सडन ऑफ बेनिफिट्स जहां से भी आपको हो सकता है, ऐसे योग आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। मेमोरी बड़ी शार्प रहेगी। पेट से संबंधित पिछले समय में यदि आपको कोई प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, उससे भी आपको मिलने जा रही है निजात। इसी के साथ में लव रोमांस अफेयर में भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, तो राहु देव आपके लव अफेयर रोमांस को भी बड़ा ही अच्छा करते हुए पाए जाएंगे। राहु देव की नवम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। ये एक तरीके से पूर्ण रूप से संकेत दे रही है कि कर्क लग्न व कर्क राशि वाले जातकों के दैनिक रोजगार में आपको वृद्धि अवश्य देखने को मिलेगी। जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो जॉब में प्रमोशन के योग देखने को मिले। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं, तो व्यवसाय में आपको श्रेष्ठ लाभ देखने को मिले। इसी दौरान यदि आप पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाह रहे हैं, तो भी राहु देव आपको यहां पर सहायता करते हुए अवश्य पाए जाएंगे। साथ में ही दाम्पत्य योग में यदि कोई क्लह क्लेश चल रहा था, मनमुटाव चल रहा था, उससे भी मिलने जा रही है आपको निजात। दाम्पत्य योग के साथ अच्छा खासा समय व्यतीत करते हुए पाए जाएंगे। इसी के साथ मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा राहु विवाह के कारक ग्रह भी हैं। यदि वह कन्या व बालक जो कर्क लग्न या कर्क राशि के हैं और बेवजह विवाह में देखने को मिल रही है आपको देरी, तो निसंकोच राहु देव 23 सितंबर से 18 महीने के अंदर आपके विवाह के प्रबल योग बनाकर आपको अवश्य देंगे। साथ ही में यदि आपका विवाह हो चुका है, किंतु किसी भी डिस्प्यूट के कारण आपका कोई डिवोर्स इत्यादि का केस चल रहा है और आप नहीं चाहते कि आपका डिवोर्स हो,
तो इस समय के अंदर 23 सितंबर के पश्चात बैठकर बात करने पर आपको देखने को मिलेंगे श्रेष्ठ परिणाम। अब मित्रों, ये तो बात हुई राहु देव के श्रेष्ठ परिणामों की, किंतु यहां मैं आपको एक बात से अवश्य अवगत कराना चाहूंगा जो शायद हो सकता है आपको अन्य एस्ट्रोलॉजर ना बताएं। अगर आपकी कर्क लग्न की कुंडली है, आपके हाथ में आपकी कुंडली बनी हुई है, उसमें शुक्रदेव का प्लेसमेंट आपको अवश्य चेक करना है। अगर शुक्रदेव बली हुए हैं, नीच के नहीं हो रहे हैं, 6-8-12 में नहीं हो रहे हैं, तो फिर देखिएगा राहु देव आपको कितने श्रेष्ठ लाभ देते हैं। किंतु यदि आपकी कुंडली में ही राहु देव नीच के हो रहे हैं, 6-8-12 में हो रहे हैं, तो भी चिंता करने की बात नहीं है। कुछ ऐसे महाप्रयोग आपको बताने जा रहा हूं जिनका यदि आप करते हैं पालन तो 100% राहु के इस राशि परिवर्तन का आपको श्रेष्ठ लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। राहु देव को प्रसन्न करने के लिए आपको चाहिए 23 सितंबर 2020 से नित्य 108 बार ओम रंग राहवे नमः का जाप करना चालू करें। इसी के साथ में कोई भी गरीब को कुछ भी खाने की वस्तु शनिवार के दिन यदि आप देते हैं, आपको बड़े ही अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि उसको पूरा भोजन करा सके, अपनी श्रद्धा अनुसार यदि संभव हो तो पूरा भोजन कराएं, अन्यथा यदि 2 रुपए का बिस्किट का पैकेट भी आप किसी गरीब को दे देते हैं तो भी यहाँ राहु देव बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। अपने रूम के अंदर मोर पंख अवश्य रखें, एक कांच की बाउल के अंदर 7 या 9 या 11 नमक की जो साबुत डली आती है उसे रख के साउथ वेस्ट कॉर्नर के अंदर रखें, हर महीने में इसे चेंज करते रहें, बड़े ही अच्छे लाभ आपको अवश्य दिखने को मिलेंगे। भगवान भैरव के दर्शन करना, भगवान भैरव की उपासना करना आपके लिए बड़ा ही अच्छा है। साथ में ही मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप कोई मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट यदि दान में करते हैं, जैसे उदाहरण स्वरूप आप मान सकते हैं आपके आसपास के अंदर कोई मंदिर है और वहां पर कोई बल्ब खराब हो गया, ट्यूबलाइट खराब हो गई, कोई पंखा खराब हो गया, उसे यदि आप रिपेयर करवा देते हैं या चेंज करवा देते हैं तो राहु देव यहां पर बड़े ही प्रसन्न होते हैं और आपको देते हैं मनचाहा वरदान। तो मित्रों, पिछले जो 16-17 महीने से राहु देव आपको परेशान कर रहे थे, अब वही राहु देव आपको देने जा रहे हैं सुख समृद्धि की सौगात। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।